था टेन न्यूज में। सबसे पहले आपका स्वागत है, आपको हम बहुत बधाई देते हैं, आपका जो संस्थापना दिवस है बहुत ही अच्छे से बनता रहा है प्रतिवर्ष। और सर जो आज का कार्यक्रम है, हमने देखा प्रतिवर्ष यहाँ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। देखिए युवा पीढ़ी बहुत विचलित होती जा रही है अपनी कला और संस्कृति, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? पहले तो अस्मिता को एक बार फिर धन्यवाद और आभार प्रदर्शन कि उन्होंने इतना सुंदर नाटक हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें एक सनातन संदेश था कि हिंसा और घृणा पर आधारित समाज सदैव संकट झेलते रहेंगे और कभी भी शांतिपूर्वक नहीं रह पाएंगे। और इसमें संदेश ये भी है कि मूल्यों के अवहेलना करने से समाज में विकृति पैदा होती है, समाज में विघटन पैदा होता है। भगवान कृष्ण ने जो भूमिका निभाई महाभारत के युद्ध में, और उसमें उन्होंने बहुत सारे संदेश दिए जिन्होंने बाद में गीता में एक दार्शनिक रूप में भी उनका चित्रण किया, लेकिन इसमें यह भी बताया कि भगवान कृष्ण के वंशज भी मूल्यहीन होने के बाद में पूरा यादव वंश नष्ट हुआ और द्वारका में भगवान कृष्ण को भी व्याघ्र के तीर का निशाना होना पड़ा और उनका वंश नष्ट हो गया। कोई भी देश नष्ट हो जाएगा अगर वो घृणा और हिंसा के रास्ते को अपनाएगा। गांधी जी ने, जिनका जन्मदिवस पूरा देश और दुनिया मनाएगा कल, प्रेम का और अहिंसा का जो संदेश दिया है वो शाश्वत संदेश है पूरी दुनिया के लिए। और अस्मिता जैसे ग्रुप इन मूल्यों के लिए लगातार अपने नाटक प्रस्तुत करते रहे हैं। बिमटेक सदैव उनको आमंत्रित करता रहा है, हमको गौरव है उनको होस्ट करने का। धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे मेहमान यहाँ अभी आए हुए हैं तो मुझे उनकी देखभाल के लिए जाना है। नमस्ते।